हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू केमिस्ट क्लासेस। तो आज बात करेंगे एंट्रोपी के बारे में, ब्रीफ वीडियो। तो एंट्रोपी बेसिकली क्या बताती है? एंट्रोपी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रैंडमनेस को मेजर करती है, डिसऑर्डर को मेजर करती है। तो डिसऑर्डर इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑर्डर, राइट? कि कितना केओस मचा हुआ है, कितनी ज़्यादा रैंडमनेस है। इट इज़ अ मेजर ऑफ रैंडमनेस, इट इज़ नॉट रैंडमनेस, ठीक है? देन तो आप रैंडमनेस को कैसे मेजर कर सकते हैं? आप ये बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर बॉक्स में या एक किसी भी मान लीजिए कंटेनर में कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं। ये गैस के पार्टिकल्स कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स में रह सकते हैं? जैसे कि क्लास में अगर मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स हैं, वो 20 स्टूडेंट अभी अपनी अपनी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। एक बच्चा अगर यहाँ से उठ के दूसरी जगह पे चला जाएगा तो दैट विल बी अ न्यू अरेंजमेंट। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो सकते हैं उन एटम्स के लिए जो सिस्टम का पार्ट हैं, ठीक है? तो वो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो है, दैट इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो एंट्रोपी आपको यह बताता है कि भैया कितनी ज्यादा माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल हैं। तो मोर द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स और अरेंजमेंट्स, ग्रेटर विल बी द एंट्रोपी। जैसे अब देखिए, एंट्रोपी के लिए कई बार बच्चों को लगता है कि सर जब हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तभी एंट्रोपी बढ़ती है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यहां पर यह कंटेनर ए है, यहां पर गैस है। अब अगर यहां से इसको कनेक्ट किया गया बी कंटेनर के साथ जो कि खाली है, अगर इसके बीच का वॉल्व अभी ओपन कर दिया जाए सडनली, तो क्या होगा? ए गैस, गैस के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मैं भी गैस बोल रहा हूँ, ए गैस के जो पार्टिकल्स हैं, दे विल बी मूविंग टू बी। तो स्पॉन्टेनियसली एक्सपैंड करेंगे। इस प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम था, तो वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम इज जीरो। तो कोई वर्क नहीं हुआ, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, बाहर से कोई हीट आई नहीं, कोई गई नहीं, राइट? तो बिना किसी एनर्जी के लेन देन के, एनर्जी एक्सचेंज के बिना, वी मैनेज टू इंक्रीज एंट्रोपी इन दिस केस, ओके? तो एंट्रोपी बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं कि आपको एनर्जी का एक्सचेंज करना पड़ता है, राइट? तो एक्सपेंशन ऑफ अ गैस अगेंस्ट वैक्यूम विल इंक्रीज द एंट्रोपी। क्यों? क्योंकि अभी इन मॉलिक्यूल के पास यहीं पर उछल कूद करने की फ्रीडम थी, अभी ज्यादा स्पेस में उछल कूद कर पाएंगे, सो दे हैव मोर स्पेस टू रोम अराउंड, इधर उधर घूमने के लिए ज्यादा जगह इनको मिल गई है, राइट? तो डेल्टा एस कैलकुलेट करने के लिए क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाय टेम्परेचर, मतलब सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस का जो हीट एक्सचेंज है डिवाइड बाय टेम्परेचर आपको करना होता है, राइट? तो फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम आपको बताइए, तो यूनिवर्स भी अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर हो रहा है और वो भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है लाइक यूनिवर्स, तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही है, ये आपका सेकंड लॉ है। तो डेल्टा एस विल ऑलवेज इंक्रीज। तो आपको कभी कभी लगेगा सर रिवर्सिबल में तो डेल्टा एस जीरो हो जाता है, पर हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपके मोस्टली इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है? जहां पर एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट रहती है, दैट इज कॉल्ड आइसेंट्रॉपिक। डेल्टा एस फ्यूजन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइड बाय मेल्टिंग पॉइंट, और डेल्टा एस अगर आपको वेपराइजेशन प्रोसेस के लिए एंट्रोपिक चेंज निकालना है, तो दैट इज डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। आइडियल गैस किसी भी प्रोसेस में जा रही है, एनी प्रोसेस, चाहे वो आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक हो, आइसोकोरिक हो, व्हाटएवर इट इज, उसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो आपको ये फॉर्मूला बेटा याद रखना है हमेशा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन प्लस एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे अगर आप टेम्परेचर कॉन्स्टेंट लगा दें, आइसोथर्मल बोल दें, तो टी वन टी टू बराबर हो जाएंगे, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, तो उससे आपका आइसोथर्मल का फॉर्मूला जनरेट हो गया, राइट? तो इस फॉर्मूला पे आप कोई भी जो कंडीशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आइसोकोरिक होगा तो V1 इज इक्वल टू V2, तो ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, तो सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, ठीक है? देन डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग, अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल या रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलमोस्ट ऑलवेज इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो जितना चेंज सिस्टम की एंट्रोपी में आएगा, उतना ही ऑपोजिट चेंज सराउंडिंग की एंट्रोपी में भी आएगा। तो डेल्टा एस यूनिवर्स यहां पर आपका जीरो हो गया। आप बोलेंगे सर ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, पर ये रिवर्सिबल प्रोसेस थे जो कि आइडियल प्रोसेस होते हैं, ठीक है? तो डेल्टा एस आइसोथर्मल का फॉर्मूला क्या जाएगा? इस इक्वेशन पे कंडीशन लगा के एन आर नेचुरल लॉग वी टू बाई वी वन। डेल्टा एस एडियाबेटिक रिवर्सिबल के लिए जीरो होती है, क्योंकि ये केस आ जाता है, पर इरिवर्सिबल के लिए पॉजिटिव आती है, सेकंड लॉ में जो आप बताया मैंने आपको। डेल्टा एस आइसोकोरिक में यहां पर वी वन वी टू बराबर कर दीजिए, तो एन सी वी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन। याद रखने का एक भी तरीका है कि आइसोकोरिक में यहां सी वी आएगा और आइसोबारिक में यहाँ पर सी पी आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम है, एन सी वी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन, और आइसोबारिक में एन सी पी नेचुरल लॉग टी टू बाई टी वन। तो आई होप एंट्रोपी समझ आ गया, मतलब रिवाइज हो गया। तो डू शेयर ऑल दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड जो जल्दी जल्दी से रिवाइज करना चाहते हैं। लेट मी नो आपको ये कैसे लगे, ये शॉर्ट ब्रीफ सेशन। थैंक यू।